हेलो फ्रेंड्स, आज 23 फरवरी 2021 और 23 फरवरी से रिलेटेड करंट अफेयर्स आज की शेड्यूल देखें तो दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग कब होगी? तो दोस्तों 2021 में होने की थी पर अब ये होगी 2022 में। इसरो के जो अध्यक्ष हैं के सिवन, उन्होंने घोषणा की है कि अब चंद्रयान 3 की जो लॉन्चिंग होगी 2022 में होगी। नेक्स्ट है, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? उत्तराखंड। कौन सा बना? उत्तराखंड। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे अगला है, अटल पर्यावरण भवन कहाँ पे बना? तो दोस्तों ये लक्षद्वीप में, प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी घोषणा की है। अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? लक्षद्वीप में। और किसने उद्घाटन किया? प्रकाश जावड़ेकर ने। और नेक्स्ट है, विश्व की पहले उड़ने वाली कार कौन सी बनेगी? तो दोस्तों पॉल वी लिबर्टी। और ये कहाँ? नीदरलैंड बनेगी। सबसे पहले कहाँ चलेगी? नीदरलैंड में। ये सड़क पे भी चलेगी और आवश्यकता पड़ने पर हवा में भी उड़ेगी, तो पॉल वी लिबर्टी। और नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता? तो पुरुष में जीता है नोवाक जोकोविच ने। और महिला की बात करें, ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस खिताब में महिला सिंगल का खिताब किसने जीता? तो नाओमी ओसाका। महिलाओं में किसने? नाओमी ओसाका ने जीता। नेक्स्ट अगला है, किस राज्य विधानसभा में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया? नागालैंड की विधानसभा में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया। और विश्व चिंतन दिवस कब मनाया गया? दोस्तों 22 फरवरी। और इसका स्काउट गाइड की जो संस्थापक है बेडन पावेल के जन्मदिन पर ये मनाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया? तो ये दोस्तों 20 फरवरी को। कब मनाया गया? 20 फरवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों 21 फरवरी को। मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया गया। और किस देश के तेज गेंदबाज थमिक प्रथमी का प्रसाद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से न्याय लेने की घोषणा की? तो ये श्रीलंका की तेज गेंदबाज है थमिक प्रसाद, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से न्याय लेने की घोषणा की थी श्रीलंका। नेक्स्ट अगला है, विश्व पेंगोलिया दिवस कब मनाया गया? तो फरवरी के तीसरे शनिवार को, फरवरी महीना के तीसरे शनिवार को। नेक्स्ट अगला है, भारत ने मालदीव की सामुदायिक सुरक्षा के लिए कितने करोड़ रुपए की समझौते किया है? तो 363 करोड़। कितने करोड़? 363 करोड़। और नेक्स्ट है, हाल ही में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला? तो अक्षय कुमार को मिला। किसको मिला? अक्षय कुमार। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले का नाम बदलकर नर्मदापुर करने की घोषणा की? तो ये होशंगाबाद। कौन सा जिला है? होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम करने की घोषणा की है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, अधिक से अधिक दोस्तों शेयर करें, सब्सक्राइब करें।